न्यूज और दिल्ली दिल से मैं, और अभी हम आपको लेकर आए हैं कृषि भवन, संस्कृति शास्त्री भवन, संस्कृति मंत्रालय के सामने कोणार्क सूर्य मंदिर जुड़ हाथ महासंत संस्कृति मंत्रालय पर बड़ा धरना। जी हाँ, हम आपको बता दें बिकॉज के स्टार स्वामी ओम जी है यहाँ पर, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए अत्यंत प्रयास कर रहे हैं। आइए इनसे पहले बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आज का जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया है, देखिए मुख्य उद्देश्य ये है कि 20 सितंबर 2019 को हम ये प्रहलाद पटेल जी मिले थे, उनको हमने ज्ञापन दिया था। उन्होंने जो महानिदेशक हैं एएसआई के, उषा मार्गरेट, उसको उन्होंने निर्देश दिया था कि ये कोणार्क सूर्य मंदिर का रेत निकालो और उसकी सारी व्यवस्था करो, मूर्ति स्थापना की व्यवस्था करो। लेकिन वो सिर्फ उन्होंने लिख करके दिया, उनके आदेश को तो उषा मार्गरेट ने माना नहीं। मजबूरन फिर हमको खुद जाना पड़ा कोणार्क सूर्य मंदिर। वहाँ पर हमने 119 साल के बाद पहली बार हमने महाआरती की, महापूजा किया, महायज्ञ किया। जो एएसआई के वर्दी के खिलाफ जो पूरे वर्ल्ड में न्यूज चला, लाइव चला, हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिले, उन सबने कहा कि हम हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि एएसआई केंद्र सरकार के अधीन है इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप लोग जो कुछ भी कहेंगे हम आपको मदद देंगे। अभी दिक्कत ये आ रही है कि ये केंद्र सरकार सिर्फ बातें बातें करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे हैं। मजबूरन हमने वहाँ पे जमीन भी खरीद ली नया कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए, वो भी सभी चैनलों पे वायरल चल रहा है। हमारा डिमांड ये है कि भाई वो 119 साल से जो बिना मतलब का जबरदस्ती रेत भर करके तुमने जो मंदिर को बंद कर रखा है, जेल हमारे भगवान सूर्य को कैद कर रखा है, चारों तरफ से लोहे का बैरिकेड लगा रखा है, जाली लगा रखे हैं लोहे के, उसको तुम हटाओ। और यदि तुम्हारे अंदर दम नहीं है तो तुम वो मंदिर हमारे हवाले करो, हम उसकी व्यवस्था करेंगे, हम ही रेत हटाएंगे, हम ही मूर्ति की स्थापना करेंगे। और उसके साथ साथ उसके कोणार्क सूर्य मंदिर के एडजॉइनिंग सैकड़ों एकड़ जमीन जो राजा का था, राजा ने जमींदार को दिया, जमींदार से इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, इनका है नहीं वो जमीन। कोणार्क सूर्य मंदिर का भी जमीन जमींदार का, इनका नहीं, उससे हम मिलकर के आए हैं। वो जो जमीन है वो हमारे हवाले कर दो, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। कोणार्क मंदिर तो उड़ीसा में है ना, उड़ीसा की कितनी जनता आपका समर्थन करती है? पूरी जनता, पूरी स्टेट के एक एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे मेरे साथ हैं। वहाँ पर अभी 17 तारीख को हजारों के तादाद में मेरे भक्त लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, उनको इन्होंने मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया। तो ये जो अत्याचार कर रहे हैं भगवान सूर्य के खिलाफ हिंदुओं के साथ में, उस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तो हम सिर्फ रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि ये नहीं मानेंगे तो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर देंगे, जिसको संभालना सरकार की केंद्र सरकार के बस का नहीं रहे। तो देखा आपने, यहाँ से बिग बॉस के स्टार स्वामी ओम जी की एक बड़ी चेतावनी है कि आखिर सनातन धर्म के मंदिरों पर ही बार बार कुठाराघात क्यों होता है, क्यों आखिर मंदिरों को टारगेट किया जाता है दूसरे संप्रदाय दूसरे के द्वारा। आखिर हिंदू इतने सहिष्णु हो चुके हैं, उनके अंदर का जो आस्था प्रेम है जो ईश्वर के प्रति समाप्त हो चुका है कि वो लोग जागरूक नहीं होते। एक ऐसी चेतावनी कि अगर मैंने इस मुहिम को आगे छेड़ दिया तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार संभाल नहीं पाएगी और बहुत दिक्कत हो जाएगी।